और अब बात करेंगे ब्राह्मणों की पलायन पीड़ा। शामली के हसनपुर गांव में पबजी गेम को लेकर हुए विवाद के बाद अब पलायन की खबरों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पुलिस की गलत कार्रवाई से पीड़ित ब्राह्मण परिवारों ने पलायन का रास्ता चुन लिया और घरों के बाहर पलायन के पोस्टर चिपका दिए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के शामली में जिंदगी कब मायूसी की राह पकड़ ले इसकी कोई गारंटी नहीं। बीते कुछ सालों के अंदर शामली में 346 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं, लेकिन हालात बदलते दिखाई नहीं पड़ रहे। ताजा मामला शामली के गांव हसनपुर का है, जहां पबजी गेम खेलने को लेकर ब्राह्मणों और जाटों के बीच हुए झगड़े के बाद ब्राह्मण परिवारों ने घरों में पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। शामली के हसनपुर के ब्राह्मण परिवारों की जिंदगी बदल गई है। हसनपुर गांव में बीते दिनों पबजी गेम को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्षों में गोलियां चली, जिसमें एक पक्ष के चार लोग घायल हो गए थे। वहीं चार दिन बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़ितों की माने तो पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिससे हसनपुर में ब्राह्मण परिवार के लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए और सामान भर कर पलायन शुरू कर दिया। पीड़ितों ने मंत्री व विधायक के खिलाफ पोस्टर दिखाए। मई गांव से एक परिवार पलायन करता नजर भी आया, जो ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना सामान भरकर मासूम बच्चों के साथ पलायन करता दिखा। गांव में लगभग दो दर्जन ब्राह्मण परिवारों ने अपने घर के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए। दरअसल गांव हसनपुर में 23 अगस्त को बच्चों में पबजी गेम खेलने को लेकर ब्राह्मणों और जाटों के बीच कहासुनी हो गई थी। सूचना पर भी पुलिस ने मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया था। 24 अगस्त को दोनों पक्षों में दोबारा झगड़ा हुआ, जहां जाट पक्ष ने ब्राह्मण पक्ष के लोगों के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें कई लोगों को गोलियां लगी। पुलिस ने दोनों पक्षों से चार लोगों को हिरासत में लेकर एक आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन पुलिस ने चार दिन बाद दोबारा इस मामले को नया मोड़ देते हुए उल्टा पीड़ितों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरी साथ राइड हो रही थी और हमें अंतक का डंगे और जीव लड़ाई बजी थी। मेरी तो लड़की आंख में छर्रे लग रहे, मेरी आदमी का गोली मार दी और मेरे पर दबाव बना रहे को तो फैसला करो नहीं अंतर जाओ। मेरे दोनों और कुछ चौरा है नहीं, हम अंतर जाल लग रहे अपना सामान भर के अपने बच्चों को लेकर, मेरे पर केस गिर गया। सुरेश राणा करवा रहा यो काम और निर्वाल करवा रहा। पुलिस के इस तानाशाही से पीड़ित पक्ष पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस की तानाशाही के पीछे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और सदर विधायक तेजेंद्र नरवाल पर आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष खुद पर ही मुकदमा दर्ज होने से आहत है। पीड़ितों की माने तो शामली में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से पलायन को मजबूर है। अच्छा, हाँ मैं तो गांव से जा रही है, हम तो सामान भर के अपने बच्चों के लिए जाएंगे। हमारे बच्चों को गोली लग रही, दो लड़की का लग रही, दो लड़कों का लग रही, अच्छा भैंस का गोली लग रही, घर में बैठ कर गोली मार रखी और वो केस उठा हमारे पे डाल दिया। हमें फैसला होना चाहिए। अच्छा, आपने प्लान के पोस्टर लगाए हैं, आप कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ देंगे, ये क्या मामला है? बस छोड़ना ही पड़ेगा जी, जब यहाँ से अत्याचार हो रहे हैं नहीं देते यहाँ से। पीड़ित पक्ष के लोग पुलिस द्वारा उल्टे उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस अफसर अभी भी इसे लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। मामले में कोई पुलिस अधिकारी मीडिया कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण परिवारों के पलायन और पोस्टर चिपकाने की खबर से अधिकारियों में हलचल जरूर है। ऐसे में पलायन को मजबूर परिवारों को अब इंसाफ कब मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। के न्यूज इंडिया के लिए शामली से कार्तिक राणा की रिपोर्ट। अनलॉक 4 की गाइडलाइन आपको दिखाएंगे, लेकिन एक